हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ भी है। ठीक है, या तो ब्रेकिंग न्यूज़ कहिए या तो गुड न्यूज़ कहिए। फाइनली जो आप लोग का इंतज़ार था आज ख़त्म हुआ है, और जो इंतज़ार ख़त्म हुआ है जिसके बारे में बताने जा रही हूँ वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म को लेके। फाइनली एक और यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आउट हो चुका है, जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो भी वेट कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी का नाम मैं बता दूँ, BHU, जी हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फॉर्म आउट हो चुका है फाइनली। तो जो लोग इंटरेस्टेड है फटाफट फॉर्म भरिए। फॉर्म का जो शेड्यूल है अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शो करूँगी कि किस तरीके से फॉर्म भरना है और फॉर्म के अंतर्गत कि कब से कब डेट तक आपको फॉर्म फिलअप कर देना, मतलब फर्स्ट डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म की फ़ी जो है वो कितनी लगेगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पर शो करूँगी। और कैसे फॉर्म को आप खुद भी ओपन कर सकते हैं, खुद भी आप किस वेबसाइट पर जाना है, किस तरीके से आप फॉर्म ओपन कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं दिखाऊंगी। तो मेरे साथ स्टार्ट से लेके एंड तक बने रहे। और प्लीज़ गाइस, अगर किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पे भी क्लिक नहीं किया तो फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे BFA से रिलेटेड, चाहे वो स्टडी हो चाहे वो कोई इन्फॉर्मेशन हो, आपको यहाँ पे वीडियोस बैक टू बैक नॉन स्टॉप मिलते रहे। क्योंकि इस चैनल पे आपको हर तरह के वीडियोस BFA से स्पेशली रिलेटेड हर तरह के वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाते, चाहे वो प्रिपरेशन से हो और चाहे वो किसी भी इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन से हो। और साथ ही गाइज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, वहाँ पे भी मेरे सारे ड्राइंग्स पिक्स देखना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी अभी आपको स्क्रीन पे शो कर रही होगी, Macy_paper के नाम से। तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे इंस्टाग्राम का लिंक साथ ही मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड है, और टेलीग्राम का भी लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड है, तो आप वहाँ से भी जाके आप जुड़ सकते हैं। चलिए आप देखते हैं कि कैसे आपको फॉर्म निकालना और उस पर क्या क्या चीज़ें मेंशन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या सर्च करना है आपको। गूगल पे जाना है, सर्च करना है www.nta.nic.in/2021 information bulletin for BHU entrance। ये लिख के आपको बस सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे इस तरीके से पेज खुल किया जाएगी। सेकेंड पे आपको क्लिक करना है BHU NTA, यहाँ पे दिख रहा है आपको BHU NTA, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पेज खुलेगा और इस तरीके से कुछ पेज खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में लिखा हुआ है करेंट इवेंट्स, ठीक है, यहाँ पे साइड में करेंट इवेंट्स लिखा हुआ, जिसके नीचे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर BHU UET 2021, रजिस्ट्रेशन फॉर BHU PET 2021। थर्ड में लिखा है इंफॉर्मेशन बुलेटिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट 2021 UET। वही सेम चीज़ नीचे PET के बारे में लिखा हुआ, इंफॉर्मेशन बुलेटिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट 2021 PET। तो आपको PET पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि आप UET के अंतर्गत आते हैं, BFA UET के अंतर्गत आता है, तो आपको UET वाला क्लिक करना है, यानी थर्ड स्टार्ट से लेके जो थर्ड नंबर पे उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। वेट कीजिए, जैसे कि यहाँ पे खुल के आ गया है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU इंट्रेंस टेस्ट 2021 UET। यूटी वालों के लिए है। यहाँ आपको सिंपली स्क्रॉल करते जाना है, जो मेन चीज़ आपको पढ़ना है वो नीचे करते जाइए स्क्रॉल करते हुए। ये रहा पेज वन, आपको पढ़ना है पेज टू, ठीक है, पेज टू में जो भी लिखा हुआ वो सारी चीज़ें पढ़नी है। यहीं पे आपका डेट फी सारा चीज़ बताया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स 8A gallons, प्लीज़ रीड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर कंप्लीट डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है डेट, फी डिटेल्स एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर BHU अंडर ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट UET 2021। अब यहाँ पे नीचे करते हैं स्क्रॉल करते हुए, लिखा है एक साइड नेम ऑफ एग्जामिनेशन, दूसरे साइड लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट UET 2021। अब है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट
थ्रू NTA वेबसाइट, ठीक है, जो भी फॉर्म भराया जाएगा वो NTA वेबसाइट के थ्रू, यहाँ पे दिया हुआ भी वेबसाइट का नाम bhuet.nta.nic.in, ठीक है। स्टार्टिंग जो डेट है फॉर्म फिलअप करने का वो है 14 अगस्त टू 16 सितंबर 2021 अप टू 11:50 PM, ठीक है, 11:50 PM रात तक का समय मिला है। यानी जो फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है 14 अगस्त, मतलब आज से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, और लास्ट डेट है 6 सितंबर, लास्ट डेट 6 सितंबर तक आपको फॉर्म भर देना है। सेकेंड में है लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, ठीक है, सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बोल रहा है, वो है 7 सितंबर 2021, और अप टू टाइमिंग है 11:50 PM। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए आप आओगे तो नीचे आपको दिखेगा कि फ़ी पेबल फॉर BHUET 2021 थ्रू जो है, किसके थ्रू आप फी पेमेंट कर सकते हो, तो वो है नेट बैंकिंग, या फिर डेबिट कार्ड, या फिर क्रेडिट कार्ड, या फिर UPI, या फिर वॉलेट, ये सब के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, जनरल, UR, या OBC, NCL, या EWS, इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट, इन लोगों का जो फॉर्म का फी लगेगा वो 600 है। वही SC ST PWD और ट्रांसजेंडर जो वाले लोगों के लिए 300 लगेगा। यहाँ पे लेकिन पढ़ लेते हैं कि BHUET 2021 ऑल कोर्सेस मेंशन इन दिस बुलेटिन एक्सेप्ट संस्कृत ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स छोड़ के बाकी जितने भी कोर्स है, ठीक है, उन सब की जो आपकी एग्जामिनेशन की जो फॉर्म की फ़ी लगेगी वो 600 है जनरल और OBC वालों लोग के लिए, वही ST SC वालों के लिए 300 है। वही नीचे है कि जो संस्कृत ऑनर्स वाले हैं उनका जनरल और OBC का 400 लगेगा और ST SC का 200 लगेगा। अब स्क्रॉल करके आप नीचे आइए, नीचे लिखा हुआ है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, वही सेम BHUET 2021। अब लिखा है फर्स्ट में कि करेक्ट और एडिटिंग इन द पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली। डेट है 8 सितंबर से 12 सितंबर तक, मतलब कि जो आप फॉर्म भरेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म, अगर उसमें कुछ गलती करी आपने तो वो सुधारने का टाइमिंग दिया है 8 से 12 तारीख के बीच तक आप करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड बाय द कैंडिडेट फॉर NTA वेबसाइट, ठीक है, जो एडमिट कार्ड है वो NTA वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना, क्योंकि जो इस बार एग्ज़ाम है वो BHU नहीं ले रहा है, बता दो साथ में NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंतर्गत एग्ज़ाम लिया जा रहा है, ठीक है। टू बी अनाउंस्ड लेटर थ्रू वेबसाइट, जो एडमिट कार्ड है बाद में आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, अभी तो एडमिट कार्ड आया नहीं है, ठीक है, अभी तो एंट्रेंस का एग्ज़ाम का डेट ही नहीं आया, सिर्फ इतना आया कि फॉर्म का डेट आया है। नीचे लिखा है कि मोड ऑफ एग्जाम, सबसे ज़रूरी है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, पेन और पेपर रिक्वायर्ड है। जो आपका एग्ज़ाम होगा सिर्फ ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, और पेन में ब्लैक पेन और ब्लू पेन लेके जाएं। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो है MCQ बेस्ड है, ठीक है, MCQ बेस्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, टिक मार्क क्वेश्चन आंसर, 4 ऑप्शन रहेंगे हर क्वेश्चन की, जिसमें आपको एक ऑप्शन पर टिक करना है। नीचे लिखा है ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रिफर टू चैप्टर 4, जो एग्जामिनेशन जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपको चैप्टर 4 में दिख जाएगा। जैसे कि आप नीचे स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल जैसे आप और नीचे स्क्रॉल, जैसे यहाँ पे चैप्टर 1 है ना, वैसे ही नीचे आपको चैप्टर 4 मिलेगा जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी, तो आप वहाँ पे आप खुद से पढ़ लेना, क्योंकि मैंने सर्च करना बता दिया है कैसे सर्च करना है आपको, तो आप वहाँ पे जाके खुद से पढ़ लीजिएगा। अगर उसमें भी कन्फ्यूजन हो तो फिर कमेंट कीजिएगा, फिर मैं बता दूंगी। अब ये आगे है, आगे बढ़ते हैं, नीचे है डेट ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल, शेड्यूल क्या है एग्जामिनेशन का, तो एज कैंडिडेट ऑन एडमिट कार्ड, ठीक है, एज कैंडिडेट के एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा क्या शेड्यूल है, किस तरीके से एग्ज़ाम होगी, कितनी टाइमिंग रहेगी, क्या टाइमिंग रहेगी एग्ज़ाम की,
ठीक है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 3 शॉट पर डे, जैसे कि फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग, थर्ड सिटिंग होता है, तो वैसे 3 शॉट पर डे किसमें भी पढ़ सकता है, वो भी मेंशन रहेगा आपका एडमिट कार्ड पे। फिर एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पड़ेगा, कहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है, कौन सा सेंटर पड़ेगा, ये भी एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड, ये भी एडमिट कार्ड पे ही लिखा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे बता दूँ, जो इस बार जो फर्स्ट पेपर होगा, पहले आपका थ्योरी का होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल का होगा, तो पहले देखते हैं कि थ्योरी पेपर का जो डेट है वो कब आएगा, फिर प्रैक्टिकल का क्या सीन है, तो पहले आप लोग जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दें। नेक्स्ट है नीचे कि डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस एंड प्रोविजन आंसर की, रिस्पॉन्सेस एंड प्रोविजन आंसर की, ठीक है। ऑन द वेबसाइट फॉर इन्वाइटिंग चैलेंज फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट, जो आंसर की आएगी एग्ज़ाम के बाद वो भी आपका जो है अनाउंस किया जाएगा एग्ज़ाम के बाद, लिखा है टू बी अनाउंस्ड आफ्टर द एग्ज़ाम थ्रू वेबसाइट, जब एग्ज़ाम हो जाएगी उसके बाद वेबसाइट पे उसका आंसर की आ जाएगा जो आप लोग का एग्ज़ाम हुआ है। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन एनटी वेबसाइट, रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन होगा वो एनटी वेबसाइट पे हो जाएगा, ये भी है टू बी अनाउंस्ड आफ्टर द एग्ज़ाम थ्रो वेबसाइट, और वेबसाइट का लिंक यहाँ पे आपको दिया हुआ है buet.nta.nic.in/www.nta.ac.in, तो इस पर आप जाके सर्च कर सकते हो। तो ये रहा आप लोगों का जो है एग्जामिनेशन फॉर्म, फाइनली आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये तो रहा कि एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या है, अब मैं बता रही हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, कैसे निकालना है अपना फॉर्म। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप वापस से बैक जाइए करेंट इवेंट में और फर्स्ट वाले पे सर्च कीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर BHU UET 2021। यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करोगे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के साथ आप देख सकते हैं राइट साइड पे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन ऑरेंज कलर के अंदर, राइट साइड पे नहीं सॉरी लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है राइट साइड पे नहीं, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे स्क्रॉल करते हुए आपको एकदम से नीचे जाना है, नीचे जैसे ही जाइएगा यहाँ पे आप जो टिक वाला ऑप्शन है आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो लिखा हुआ है उस पर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और फिर यहाँ पे नीचे क्लिक हियर टू प्रोसीड, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर्म खुल के आ गया, अब आप यहाँ पे सारी चीज़ें भरिए, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर, सारी चीज़ें, एड्रेस, लोकेलिटी, डिस्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म BHU इन किलोमीटर, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, फ़ोन नंबर, ठीक है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, तो ये सारी चीज़ें आपको भर देनी है, भरनी है। अब भर के यहाँ पे आपको नीचे सबमिट कर देना है, सबमिट करेंगे आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो गाइस देख लिया आपने कि अभी फॉर्म आ चुका है जो मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर किया था, तो फिर फटाफट जाइए, देर किस बात की, आज ही फॉर्म आया है, और जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। और जो है कि पहला जो एग्ज़ाम होगा आप लोगों का थ्योरी का ही होगा, जाहिर सी बात है, और इस बार का जो एग्ज़ाम है थ्योरी का सिर्फ ऑनलाइन बेस्ड होगा। पिछले बार क्या था कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन था, जो आप चूज़ करते उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम देने थे, लेकिन इस बार सिर्फ ऑनलाइन बेस्ड है, एग्ज़ाम सिर्फ ऑनलाइन बेस्ड होगा कंप्यूटर पे, ठीक है। और आप अपने साथ पेन और पेपर रखना, और जो क्वेश्चंस आएंगे वही 50 क्वेश्चंस होंगे, और बोला जा रहा है कि इस बार जो क्वेश्चंस जो होंगे, हर बार 150 नंबर के होते थे, इस बार 200 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, मतलब हर क्वेश्चंस 4 नंबर के होंगे, जो कि हर बार हर क्वेश्चन 3 नंबर के होते थे, ईच क्वेश्चन 3 नंबर के होते थे, इस बार ईच क्वेश्चंस 4 नंबर के होंगे, और 1 नंबर की माइनस मार्किंग भी होगी। तो ठीक है, पहले तो अभी आपका थ्योरी होगा, और उसके बाद ये जानना है कि एंट्रेंस का भी तो फॉर्म निकला है, अभी एग्जामिनेशन डेट नहीं निकला है, तो वेट करते एग्जामिनेशन डेट का फॉर्म पहले भर दीजिए आप लोग, फिर जब एग्जामिनेशन डेट मिलेगा तो वैसे ही आप लोग को फटाफट इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और फॉर्म आज ही आया है, और आज मैंने आप लोग को इन्फॉर्म भी कर दिया है, तो फिर देर किस बात की। तो प्लीज़ गाइस आज के वीडियो में इतने ही, इतनी जानकारी देनी थी जो काफ़ी है अभी आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स आगे और भी जो जानकारी होगी BHU को, BFA BHU को लेके, तो सारी चीज़ें आपको
अपडेट तुरंत तुरंत मिलते जाएगी। जैसे कि फॉर्म आ जाया तो मैंने आज ही आपको अपडेट दे दिया, तो कोशिश मेरी रहेगी कि तुरंत तुरंत मैं हर चीज़ के बारे में आपको अपडेट देती रहूं। तो इस चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिलते रहे और अभी आपको लगातार सारे इंपॉर्टेंट BFA से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेंगे मेसी पेपर बाय KS पे। तो प्लीज़ चैनल को अगेन कह रही हूँ मैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को इसकी पता नहीं होता कि फॉर्म आता है, पता नहीं होता। तो इसलिए अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, जहाँ तक आप शेयर करना कर सकते हो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिर अपना ख्याल रखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नमस्ते।